Assalamualaikum viewers, welcome back to our channel. And आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं कीवी की आइसक्रीम, जिसके लिए हमने 3 से 4 अदद कीवी ली है और उनको छील के काट लिया है. And इस तरफ viewers, तो हमने 1 किलो दूध लिया था जिसको हमने आधा पका लिया है. एंड अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे. एंड इसको अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो व्यूअर्स, 4 चम्मच दूध में हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रहे हैं. मिक्स वेल. सो व्यूअर्स, जो दूध एंड कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स किया था तो वो हम इस दूध में मिक्स कर रहे हैं, जो कि हम इसको बना रहे हैं. जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे. सो व्यूअर्स, देखें इसमें उबाल आने शुरू हो चुका है. देखें इसमें उबाल आ रहा है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है. तो अब हमने इसका जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है. एंड अब हम इसको ठंडा कर लेंगे. सो व्यूअर्स, कीवी जो है उसको हम पीस लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं. सो व्यूअर्स, देखें कीवी का जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है और हमने थोड़े से दूध के साथ इसको पीसा है. व्यूअर्स, अब हम व्हिपिंग क्रीम को बीट कर रहे हैं. और व्हिपिंग क्रीम को बीट करने से पहले आप इसको 2-3 घंटे फ्रीज में होने के लिए रख दें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें. एंड व्यूअर्स, हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट कर लेंगे. सो व्यूअर्स, ये देखें, ये ऐसी होनी चाहिए कि ये गिरे ना. ये देखें, बिल्कुल भी नहीं गिरी है ये. सो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो दूध और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके हमने जो दूध पकाया था वो ऐड कर रहे हैं और फिर इसको हम बीट कर लेंगे. सो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कीवी का पेस्ट बनाया था. और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे. सो व्यूअर्स, इसमें हम 1 चम्मच पिस्ता एसेंस डाल रहे हैं. सो व्यूअर्स, इसमें हल्का सा हम ग्रीन फूड कलर डाल रहे हैं. सो व्यूअर्स, आप कोई भी एयर टाइट जार ले लें. और अब हम इसमें जो हमने आइसक्रीम का बैटर बनाया था वो हम इसमें डाल रहे हैं. सो व्यूअर्स, ये देखें, इसके ऊपर हमने प्लास्टिक लगा ली है ताकि इसकी एयर टाइट हो जाए, ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने. सो व्यूअर्स, अब हम इसको फ्रीज करेंगे 24 आवर्स के लिए. व्यूअर्स, इसको 24 घंटे हो चुके हैं और ये जम चुकी है और अब हम निकाल रहे हैं. सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी. और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए
तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।